हेलो गाइस, व्हाट्स अप, हाउ आर यू? एज यूजुअल आई एम गोइंग टू कैरी ऑन द लेक्चर ऑन दिस प्रोजेक्टाइल मोशन. इन द लास्ट लेक्चर वी केम टू नो अबाउट द बेसिक थिंग्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन एंड इन दिस क्लास वी विल बी डिराइविंग द रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड नंबर वन, नंबर टू मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल एंड नंबर थ्री विल बी डिस्कसिंग the formula to calculate the range of a projectile and then we'll be discussing how the method by which we can find the equation of the trajectory. Number one, but remember use yath classes means yath lectures means this projectile discuss karo, that is from ground to ground, projectile from ग्राउंड टू ग्राउंड, यानी कि एम साजन इज का ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट करून फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट अगेन कम्स बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ लाइक दिस. कि एम साजन इज का ऑब्जेक्ट शुन प्रोजेक्ट करून, सपोज आई एम हैविंग द बॉल, आई एम प्रोजेक्टिंग दिस बॉल इन द एयर, एम साजन भी बॉल हवास में थ्रो करन, स्पेस में थ्रो करन, इट विल मूव लाइक दिस. सपोज दिस इज सरफेस ऑफ ग्राउंड, सेम पॉइंट पर पार्टिकल प्रोजेक्ट करूँ तो इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. सो दिस इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट ई. सो इस पार्टिकल यह कर प्रोजेक्ट एट पॉइंट ई एंड ये साथ ये मोशन कर तम पे वा तथ पॉइंट नश, फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, तम पे वा पॉइंट बी एस नश, तथ पॉइंट नश, ये पॉइंट पे जन ये पार्टिकल बे कर हिट ग्राउंडस. दिस इज द पॉइंट वायर द पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड आफ्टर कंप्लीटिंग द मोशन. सो दिस द सिंपल केस व्हेन द particle is projected from ground to ground. The situation is like this. Gonich particle yethas asan, tempat vot yethas, tempat vot yethas, tempat vot yethas, tempat vot yethas, and at last it hits the ground. So this is the basic case. So this is the basic case of a projectile motion when the projectile motion is from ground to ground. You just rat. In the previous lecture we have discussed. Today I'll be deriving the relation for calculating the time of flight of a projectile. Time of flight kya ko simply hum sath ka particle projection kar in space, it takes some time from the point of projection to the point where the particle hits the ground. So time, ye time as man jan ye particle pani journey se complete karan टाइम इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम पीरियडस दौरान ये हवास में रोजन स्पेस में रोजन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर द पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड. सो ये दिस टाइम इज हवास में रोज स्पेस में रोज ता टाइम इज वन टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल. सपोज यही प्रोजेक्टाइल करन बे एनालाइज एम पॉइंट पे भी प्रोजेक्ट करन, सपोज दिस पॉइंट ए, ये था सी हिट कर ग्राउंड, तब में पॉइंट बी लाइक दिस, ये वो पॉइंट ए, ये वो पॉइंट बी. आई एम ट्राइंग टू गेट द रिलेशन फॉर कैलकुलेटिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल. गौर करना बक हम ये साथ भी प्रोजेक्टाइल मोशन बनावन गोड करना बक एमिस पार्टिकल्स कर बक इनिशियल वेलोसिटी इंपार्ट. आई विल बी गिविंग सम इनिशियल वेलोसिटी टू द पार्टिकल. सो वेलोसिटी ये वेलोसिटी से ये मूव करे. सो सपोज दिस प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. चूंकि राति वुशेस पत में लेक्चरस में वुशेस एम सादिस ये पार्टिकल करून प्रोजेक्ट एट सम एंगल, इट हैज टू कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, वन इज अलोंग x, other is along y. चूंकि theta is along x, this component is u cos theta. This is along y, this is u sin theta.
suppose this is the point where the particle, point C, where the particle is at the maximum elevation with respect to the point of projection. Yem sathi particle last point as padwai thi mon rathi velocity along x yani ki ux is again u cos theta, because x component of the velocity throughout the flight remains constant. Again, at this point it is u cos theta. That means Harquin point is fetch x component of the velocity constant, because x direction man chun kahin the force act gasan. Simple. Agar y component of the velocity vichan, y component chunki the particle moves under the influence of the gravitational force, therefore from point A to point B through this path the gravitational force acts. The gravitational force acts as what? It acts vertically downwards. It always acts vertically downwards. Therefore along y msr kunj direction mein ka force ya ka accelerating force ya ka acceleration is vector karan velocity se dil constant hozun ke velocity change hozun. As seen, agar bhi a pet cs tai this is the direction of the motion yor kun accelerating force bon kun downwards, therefore from point A to point C the velocity decreases. It's maximum at A and zero at C. In between A and C the velocity is greater than A, less than C. At C it is zero. Yani ki VC, but y component of the velocity, the y component of the velocity at C is zero. Tava shuni particle I'm here move karan ke tam pachi it moves downwards kyunki agar bhi a pet c pet bs tra nazar trao the direction of the motion of the particle and the acceleration due to gravity x direction mein same sath hum dashway cheez x direction mein action the particle accelerates yes pet jata ji accelerate kara tam logo c pet bs tai ji velocity gasan increase. अगर ये थे y component zero, m को z and at last at point B, yes point B is पेट चासन base है velocity, yes point A is बड़ा है. तेल बनो ना, ये पेट होता है from point A to point C the velocity along y increases and the velocity along y from C to B decreases. तेल अगर ये projectile motion को उतराव नजर तेल युता time is like from A to C तीन टाइम्स बराबर तो सरासर लगे फ्रॉम सी टू बी मैं क्या करूं डूब कहाँ मैच करूं कहाँ आई हैव टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट अपन प्रोजेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट को सिंपली टाइम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऐसे को तो टाइम लगे इस पार्टिकल को तो टाइम लाइक पॉइंट ए पे पॉइंट बी एस टाइम यानी कि द टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट आई विल डिफाइन द टाइम फॉर विच the time for which the particle is in air. So time here, time is when the particle jo havas mein rozan from the point of projection to the point where it hits the ground is known as the time for which the particle is in air is known as time of flight of a projectile. Wo ye pad barabar ka sarasar point B s tai kuta time lage us that time is on time of flight of a projectile. To get the time of flight I'll be considering the motion along y. Tala agar ba kaam kar consider the motion of this particle, this projectile. I'll consider the motion of this particle, this projectile from along y direction, but from A to C. Suppose बकार काम बकारन यह है ये मी
projectile its motion ka consider from A to C. Consider the motion of this projectile along y direction. Matlab kya direction means y direction means from point A to point C. Booch. Kyunki agar is y axis ko utrao nazar along y the initial velocity is the initial velocity along y is u sin theta. Where u is the velocity of projection, u is the velocity of projection, theta is the angle of projection. Y along y, the y component of velocity is u sin theta. And ay velocity along y is u sin theta. Ay means accelerating force, acceleration along y is g, but this g acts vertically downward, therefore ay is minus g. But remember, I am considering the motion of this projectile along y direction from point A to point C. Em sadhi as ni shows velocity was along y, velocity was u sin theta, magar em sadhi point C as ni shows the particle comes to the rest in y with respect to y. So u y is u sin theta, vy is 0. The velocity at this point C in y is 0, not x. Along x it is u cos theta, along x it is always u cos theta, along y at point A u sin theta. m khod kam and at this point where the particle is at maximum elevation, em pad hi pani path change karan, velocity along y is 0. Kyunki agar bhai yath motion ko utra nazar, the value of g in the previous lecture I have told you that the value of g, we assume the value of g to be constant because yes, the observation as nishchit that is very close to the surface of earth, hence the value of g is assumed to be constant. Okay, therefore em bagar em sath is baki sari force neglect karo, therefore I can say that this is the motion with uniform acceleration. Em sath motion with uniform acceleration I can be very happy to use, I'll be very happy to use the equation for uniform motion. I will be happy to use the equations for motion with uniform acceleration, which are number 1, v is equal to u plus at, v square minus u square is equal to 2as, and v is equal to u plus at, v square minus u square is equal to 2as, and s is equal to ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. चूंकि अगर मैं ये मिक वैल्यू तो ये मिक वैल्यू पता है चलोगे टी जी यूजिंग एज द मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. आई कैन यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. आई विल बी यूजिंग बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यूजिंग v is equal to u plus at, I mean vx is equal to ux plus ax into t. Suppose the time taken by particle from a to c is small t. Using v is equal to u plus at, velocity along x is, final velocity along x is initial velocity along x plus ax into t, which implies that. Sorry, I am using the velocity along y. Vy is equal to uy plus ay into t, which implies that vy is 0. 0 is equal to uy is u sin theta plus ay is minus g. Time is t. Solving this we can get the value of t, which implies that minus gt is minus u sin
theta. Minus minus will go. T is equal to u sine theta divided by g. Where u is initial velocity, theta is the angular projection, g is acceleration due to gravity. While g is, we assume the value of g to be constant and it's 9.8 meters per second square. Therefore, क्योंकि ये पेड़ होता है कुछ टाइम लगते हैं मिस टी विच इज गिवन बाय यू साइन थीटा डिवाइड बाय जी देयरफॉर ये पेड़ होता है टी ये पेड़ होता है टी देयरफॉर तेल मतलब ये पेड़ होता है जो 2t देयरफॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी इज ट्वाइस स्मॉल टी विच इंप्लाइज दैट टी विल कम आउट टू बी 2 हेल्प वी यूजिंग टी एज u sin theta divided by g. This is the formula by which we can calculate the time of flight of a projectile projected with initial velocity u at an angle theta with the horizontal. So even as a formula, in formula session is indirectly I have calculated it. If I know the value of u, if I know theta, by using t is equal to u sin theta divided by g, I can be easily calculating the time of flight of a projectile. So t is, remember this formula, t is 2 u sin theta by g. For simplicity, I can write this 2 as 2. Agres u sin theta is kundravana. This u sin theta is the component of, this u sin theta is the component of, this u sin theta is the component of initial velocity along y axis twice uy divided by twice uy divided by g. Simple. So by using this formula we can easily calculate the time by which we can easily calculate the time of flight of a projectile. Simple. Agar is yath equation kontrava nazar. अगर इस इक्वेशन को उतरा नजर आई एम वी यूजिंग ओनली टू थिंग्स दैट थीटा एंड यू बाय गेटिंग द वैल्यू ऑफ यू एंड थीटा अगर मैं पता है इस प्रोजेक्टाइल कथ वेलोसिटी सिक्वेंस प्रोजेक्ट कैम वेलोसिटी सिक्वेंस प्रोजेक्टाइल एंड एंगुलर प्रोजेक्शन आई विल बी इजीली गेटिंग द वैल्यू ऑफ टी टाइम ऑफ फ्लाइट सो व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट द टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज द टाइम फॉर विच द पार्टिकल इज इन एयर या time taken by the particle from A to B. In this projectile, the time like from point A to point B. You time is time like it to complete the journey. That is one time of flight. So this is very easy. Me kya kar gaya? To get the time of flight, me kar consider the motion of this particle along y from A to C, half journey. Half journey must one me time t. Full journey must then here 2t by using the equation of the motion with constant acceleration v is equal to u plus at. Simple. We sab hai very tricky. I'll be deriving. I can derive the equation for this time period by consider the motion from A to B along y axis as well. A aspect along y initial velocity u sin theta. Agar bhi kuch ye pad hota hai time like suppose time is t. मगर ये साथ ही पार्टिकल का मूव ए टू बी एस था फ्रॉम ए टू बी एलिवेशन के लिए चेंज किया था मतलब वो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज जीरो वो बह कर तम साथ कर बहुत यख रिलेशन यूज दोमा त्रेमा तम साथ कर बहुत यख रिलेशन यूज एंड आई कैन गेट इजीली द वैल्यू ऑफ टी दैट विल अगेन कम टू बी टू यू साइन थीटा डिवाइड बाय जी. सिंपल. सो दिस इज द मेथड बाय विच वी कैन calculate by which we can calculate the time of flight of a projectile if we know initial velocity and theta. Simple. Number one. Number two, I'll be devising a formula for calculating the maximum height. Simple maximum height. This maximum height is denoted by h.
लेकिन टाइम ऑफ लाइट कैपिटल टी, मैक्सिमम हाइट एच। वाई मुझे इस मैक्सिमम हाइट क्या गया, मैक्सिमम हाइट को सिंपली अगर इस पॉइंट सी एस को अंतराल होता है, दिस पॉइंट सी अपीयर्स टू बी एट द मैक्सिमम एलिवेशन विथ रेस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। सिंपली यू सी पार्टिकल छु पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पेट, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पेट कूता गसी थोर मैक्सिमम पाचिस वन मैक्सिमम हाइट। सो मैक्सिमम हाइट इज द हाइट, दिस इज द हाइट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट क्या हो, मैक्सिमम हाइट को सिंपली द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट यस, मैक्सिमम हाइट क्या हो, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। सपोज अगेन projectile is projected with initial velocity u making an angle theta with horizontal, again considering the motion, well, again consider the motion from a to c to get the value of this maximum height. Maximum height is the maximum height attained by the projectile With respect to the point of projection. Okay, agar wo c vision, this c appears to be at the maximum height. So this is the maximum height attained by the projectile, and the maximum height attained by the projectile is known by capital H. To calculate the value of H, consider the motion from A to C. I'll again consider the motion from A to C in y direction. We know u y initial velocity along y is u sine theta. At C, final velocity. At C, the final velocity along y is zero. Accelerating forces minus g using v square minus u square is equal to as. I'll be using this equation of motion for constant acceleration. V square minus u square is equal to 2as, which implies that I can write v by minus square minus u y square is equal to ay into sy, where sy is the displacement along y. We say chunki agar we a pet cs kun tra nazar ye particle ko na a pet hor kun ko tha koi asli h, so I can say that sy is equal to h plus or minus, plus because the particle goes up, g, the value of g is, the value of a is minus g because it always acts vertically downwards. Substituting all these values in this equation, we get it is 0, 0 square is 0, minus u square, that is u square sine square theta is equal to 2, ay is minus g, sy is h. Solving for h, we can solve this for h, u square sine square theta is equal to minus 2gh, which implies that h is equal to 2g will get divided u square sine square theta divided by 2g. This is the relation, this is the formula by which we can easily calculate the maximum height attained by the projectile. Simply, I'm going to be initial velocity pata hai, best angular projection pata, I can easily calculate the maximum height attained by the projectile. I can write this as u sin theta ka whole square divided by 2g. U sin theta, you know, this is the y component of initial velocity. That is uy ka square divided by 2g. Simple. So simple. So number one,
Number one, the time of flight is. The time of flight is 2u sin theta. 2u sin theta divided by g. Horizontal. Maximum height, sorry. Maximum height is u square sin square theta divided by 2g. अगर मैं यू एस पता बी एस थीटा पता बाई यूजिंग दिस रिलेशन आई कैन इजिली फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल नंबर टू नंबर थ्री. एट लास्ट इन दिस लेक्चर आई विल बी डिराइविंग द फार्मूला टू कैलकुलेट द मैक्सिमम रेंज. The maximum range is denoted by R. Maximum range क्या को simply point of the distance from point of projection to the point where the particle hits the ground. The distance from the point of projection. To the point where the particle hits the ground. Distance simple. यह बैठा है point A पर point B से होता है. Point A is point of projection. Point B is the point where the particle hits the ground. Simply. Maximum range R is the distance from the point of projection to the point where the particle hits the ground. This maximum range is known by R. To get the value of maximum range, consider the motion along X, not Y. ठीक है, ये जो range हो, range है ना along X. Range is A कोता से दूर B नहीं, B कोता से दूर A नहीं. वो this is along X. ये हम सदस्य कहाँ चीज अलॉन्ग वाई एस करूँ विल बी टेकिंग द मोशन विल बी कंसिडरिंग द मोशन अलॉन्ग वाई. ये हम सदस्य कहाँ चीज अलॉन्ग एक्स एस विल बी कंसिडरिंग द मोशन अलॉन्ग वाई. सिंपल कंसिडरिंग द मोशन अलॉन्ग एक्स यू नो यू एक्स इज यू कॉस थीटा. यू एक्स इज यू कॉस थीटा. एक्स इज जीरो. यू कॉस थीटा 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 हर कुंजा यू कॉस थीटा तम लगो पॉइंट ए पे पॉइंट बी एस ताई छु बराबर त सरासर वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन क्या है जीरो बिकॉज़ देयर इज नो एक्सेलरेटिंग फोर्स. यू एक्स इज यू कॉस थीटा. एक्स इज जीरो. टी इज टाइम ऑफ फ्लाइट. और ये पे होता है टाइम ऑफ फ्लाइट को ना इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 यू sin थीटा डिवाइडेड बाय जी. Or t is 2u sin theta divided by g. Initial velocity, acceleration, time period, and a to b. I'll be using this. S is range. ये पढ़ाना ही होता है. Actually, along x को ना ही move. Along x ना हमें displacement का चाहिए कि ये चाहिए r. अलॉन्ग वाई के साथ सीखी है इसमें राइट पुश टू कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट. द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी अलॉन्ग वाई बस एच. द डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स फ्रॉम ए टू बी इज आर यूजिंग अगेन द ब्यूटी ऑफ दिस इक्वेशन इज द मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. आई विल बी यूजिंग एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैपिटल टी. S is R. S is R is equal to U's initial velocity. Sx, Ux, Ax, T. R is equal to Ux. Ux is U cos theta.
The value of t is time of light. 2u sine theta divided by g plus half x is 0, t square, this will vanish, we get. R is equal to 2u square. Yeah, I can write u square, u into u, it is u square, 2 sine theta cos theta, 2 sine theta cos theta divided by g. I can write u square sine 2 theta divided by g, because the beauty of mathematics, sine 2 theta is 2 sine theta cos theta. So this is the formula by which we can easily calculate the maximum range, or you can write R max, by which we can calculate the maximum range of a projectile. Or we can say R is equal to 2 is 2, I can write u sine theta, 2 is 2, u sine theta, u cos theta, upon g, u into u is again u square, 2 is there, sine theta in cos theta, which implies that r is equal to 2 is 2, u sine theta is the initial component of velocity along y axis, u y. This is initial component of velocity along x. So this is the formula by which we can easily calculate the range of a projectile. Simply, agar main bhi even this is pata hai, initial velocity and the angle of projection, I can easily find the range of a projectile. Simple. Range of a projectile is twice uy ux divided by g, or u square sine 2 theta divided by g. So r is 2, sorry, it is u square sine 2 theta divided by g. These are the three very very important formulas for the projectile from ground to ground. This gives time of light, this gives maximum height, this gives maximum range. So the maximum range is u square sine 2 theta, it is u square sine 2 theta divided by g. Agar is world is defenses kundra, we are having the missiles with the range up to 4000 kilometers, 3500 kilometers. So this range, please, this time of flight, this maximum height plays a very important role in the defense system. So in this lecture, this lecture was all about getting the formula for time of flight, maximum height, range. अगर इसमें त्रिश्वनी इक्वेशन को उतरा होने लगे, मास इक्वेशन का जिक्र है, मतलब वो टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल. यानी कि अगर इस 10 केजी बाल करूं थ्रो, 2 केजी बाल करूं थ्रो इन द एयर विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी यू एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, दनमय बात है ना, दनमय नहीं होता है. That means this time of light, height and range, these are independent of the mass of a projectile. Theek simply. So you remember time of light, maximum height, range, time of light. Nikalne ke liye humne motion ko consider kiya from point A to point C, maximum along y. Maximum height, to obtain the formula of maximum height, we again consider the motion from A to C along y. And to get the formula for maximum range, हमने क्या किया, हमने मोशन को कंसिडर किया ए से बी तक अलोंग एक्स. जब हमने ए से बी तक मोशन को कंसिडर किया अलोंग एक्स, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स इज यू कॉस थीटा, एक्सेलरेशन तो है नहीं एक्स डायरेक्शन में, दैट मींस एक्सेलरेशन इज जीरो. टाइम कितना लगा, तो यू साइन थीटा बाई जी, जो इससे पहले हमने डिराइव की थी, तो ये क्या बना हमारा ए से बी तक
x में कितना डिस्प्लेस हुआ पार्टिकल r. सो दिस r इज द रेंज ऑफ द सो ऑफ द प्रोजेक्टाइल. यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वी गेट दिस 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 एट लास्ट वी गेट u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाय g. दिस इज द मेथड बाय व्हिच वी कैन कैलकुलेट द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल. सिंपली रिमेंबर गो नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग द मेथड टू derive the equation of trajectory. Trajectory is the path followed by the curve. This, the path followed by a projectile. The path followed by a projectile is trajectory. In the next lecture, we'll be discussing some basic numericals on this time of flight, maximum height, range, and we'll be deriving the equation for this trajectory. Hope aapko samajh aaya hoga. This was the basic lecture for this projectile, and I hope ki आपने अंडरस्टैंड किया होगा. सो गाइस वर्क हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट.